हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल K2H किचन एंड क्राफ्ट पर। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्राई करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी बहुत कड़वी होती है, पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम करेला, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, ऑयल, 3 से 4 छोटे टुकड़े अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च। सबसे पहले हम करेले को अच्छे से धोकर काट लेंगे। यहाँ मैंने करेले को काट लिया है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स कर देंगे। करेले में नमक डालकर रखने से इसका सारा कड़वापन निकल जाता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 कटे प्याज, 1 कटा टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इन सबको पीसकर हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ मैंने इन सबका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमने जो करेले में नमक डालकर रखा था, आप देख सकते हैं इसका सारा कड़वा पानी अलग हो चुका है। अब हम इसका सारा पानी निचोड़ कर अलग कर लेंगे। हमें करेले को फ्राई करना है। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन गर्म करने के लिए रख दिया है। पैन जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। करेले को हमें डीप फ्राई करना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें करेले डालकर फ्राई कर लेंगे। हमें इसे डीप फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। डीप फ्राई करने के बाद करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। अब करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें इसका मसाला फ्राई करना है, पर हमें इसमें इतने ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 चम्मच ऑयल की ही ज़रूरत है। तो बाकी का ऑयल हम निकाल देंगे। आप बचे हुए ऑयल का यूज़ बाद में किसी भी सब्ज़ी बनाने में कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने आधी छोटी चम्मच इसमें जीरा डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें इसमें मसाले ऐड करना है जो हमने तैयार कर रखा था। हम इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच सब्जी मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, और जिन्हें करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो भी आपसे मांग मांग कर करेले खाएंगे। अब मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले करेले में अच्छे से कोट हो जाए। बस 1 से 2 मिनट हम इसे पका लेंगे। बस 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे रोटी पराठा या राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये सबके साथ अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।